मोस्ट हॉन्टेड मतलब बात बताऊं आपको, रात के 10:45 बज रहे हैं और 10:45 बज रहे हैं यहाँ पे ठीक ठाक बढ़िया वाला अंधेरा जिसको बोलते हैं। मैं सही बताऊं आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया क्रीपी साउंड्स आर कमिंग ओवर देयर। दिख रहा होगा आपको, मुझे लगता है मामला दिखाई तो दे रहा। करें जी गाड़ी लाइट ऑन कर लो। हाँ ठीक है। वो लिफ्ट मांगती है लोगों से, आते आते लोगों से, और वो दिखती है, वो फिर लिफ्ट मांगती है और जब उसके पास चले जाओ गाड़ी के, आप गाड़ी के तो गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। हाँ तो इससे पहले तो बहुत कम ही थी यार, अंधेरा था, बहुत अंधेरा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अकेले नहीं आ नहीं पाओगे रात को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वरुण और ये हमारे हैं करण जी। हाय एवरीवन, मेरा नाम है करण और हमारा चैनल है जिसका नाम है मिथबस्टर्स। हम एक्चुअली आपसे पहले भी एक वीडियो हम बना चुके हैं आप लोगों के लिए, उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा बेसिकली काम क्या है, कि जो मिथ्स होती है ना, जो लोग बनाते हैं मिथ्स की, ये चीज़ ऐसे होती क्यों है, वो चीज़ ऐसे होती क्यों है, एक्चुअली लोगों ने ना मिथ्स बना रखे हैं ये सब चीज़ों के। तो हमने आपसे पहले भी शेयर किया था कि हम क्या करेंगे, हम हर तरीके का व्लॉग बनाएंगे आप लोगों के। करण जी वहम पाल रखे बेसिकली लोगों ने, वही ना, हम ना हर तरीके का व्लॉग बनाएंगे आपके लिए। हमने कहा था यार, हम आपके लिए गाड़ियों के व्लॉग लाएंगे, फोन के रिव्यू लाएंगे, हॉन्टेड व्लॉग्स लाएंगे, सब कुछ लेके आएंगे। भैया के साथ मैं भी हूँ वरुण, कैसे हो आप सब लोग? तो जैसे करण जी ने बताया आपको कि आज हम लोग निकले हैं अपना मिथ बस्ट करने। बेसिकली वो वहम जो है लोगों को, एक लोगों ने ना वो बना रखा है, डर बना रखा है फालतू का। तो अभी हम अपने अभी नहीं बताएंगे, हम आपको जगह पे पहुंच के हम आपको बताएंगे कि करण जी आज हमारे को कहाँ लेके जा रहे हैं। कि हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको अभी नहीं बताएंगे, हम वहाँ पहुंच जाते हैं। दो तीन जगह हमने सोची हुई है दिमाग में, जो लोगों ने ना दिल्ली के अंदर में बना रखा है कि ये हॉन्टेड प्लेसेस है। अब पता नहीं यार भूतिया, भूतिया। मैं आपको सही बात बताऊं, मैं ऐसा इंसान हूं ना, मैं वो चीज मानता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो यार मैंने आज तक अपनी आंखों से भूत कभी देखा ही नहीं है। लोगों को मैं देखता हूँ, आपने कुछ हॉन्टेड चैनल्स देखे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ पाकिस्तानी हॉन्टेड चैनल्स हैं, वो भाई अपने ही बंदे को गिरा देते हैं, वो खुद ही गिर जाता है, पीछे से धक्का दे देता है, अरे भूत ने गिरा दिया, अरे यहाँ लग गई, अरे वहां लग गई, ऐसे कर करके दिखाएंगे। और आप लोग इतने खुश हो जाते हो, यार आज हमने भूत देख लिया, भूत देख लिया हमने आज। जैसे कि आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, कौन सी जगह आ गए, आप लोग कुछ पढ़ लो। तो पता क्या है यार, देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये जगह हमने आपको दिखा दी। एक्चुअली इस जगह के बारे में मिथ्स बोलूं या मैं क्या बोलूं मुझे नहीं पता। गूगल टाइम दिखा लेते हैं एक बार करण जी। हाँ पहले आप गूगल टाइम देखो यार, गूगल टाइम देख लो जी एक बार क्या आ रहा है। 10:40 PM ठीक है, रात के 10:45 हो रहे हैं जी। यार देखो मैं एक बात बताऊं आपको, रात के 10:45 बज रहे हैं और 10:45 बज रहे हैं यहाँ पे ठीक ठाक बढ़िया वाला अंधेरा जिसको बोलते हैं, जबरदस्त वाला अंधेरा। यार मुझे पता है आप लोगों में से ना काफी लोग क्या बोलेंगे कि यार ये तो भूत है ना यार, 10:30 बजे नहीं आते। आप मुझे एक बात बताओ यार, भूत 10:30 बजे क्यों नहीं आते? उन्होंने टाइम बना रखा है कि वो वैंचो आएंगे रात को 2 बजे 3 बजे? यही तो मिथ बस्ट करना है ना हमारे को। तो मैं आपको इसकी थोड़ी स्टोरी सुनाता हूँ यार अब, ठीक है? तो भैया हाँ जी बताओ जी, लोगों ने जो स्टोरीज बना रखी है ना, देखो कुछ स्टोरीज हमने सुनी हुई है और कुछ स्टोरीज जो है ना हमने गूगल पे भी देखी है। बिकॉज द पॉइंट इज कि जब हम कहीं किसी जगह के वहां जाते हैं, बाहर जाते हैं ना, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं कि भाई एक्चुअली में वो मिथ है क्या, है ना। तो सुनी सुनाई बातें बताएंगे आपको, बिकॉज हम तो गए नहीं यार देखो आज तक कभी भी, है भैया? हाँ जी सर बिल्कुल है दानिश, हम तो कभी गए नहीं है। ये हमारे दानिश भाई हैं, हमारे साथ दानिश भाई हैं, ठीक है। अभी दानिश जा रहा है बाहर, आपको वहां तक दिखाएगा, थोड़ा सा ओवरव्यू देगा कि एक्चुअली में बाहर से अभी ये कैसा दिख रहा है सिस्टम। लो जी दानिश जी, तो हम आगे जाते हैं 100%। और ये जो संजय वन है इसके बारे में लोगों ने ना ऐसी मिथ बना रखी है, पकड़ना जी दानिश जी, कि रात को यहाँ पे मतलब पेड़ों के पास कोई वाइट कलर की साड़ी में लेडी दिखाई देती है,
और वो पता नहीं आपके पीछे भागना शुरू कर देती है या क्या होता है कि जैसे आप खड़े हो तो आपको आवाज़ें मारती है और ग्रेव में से आवाज़ें आती हैं बड़ी अजीब अजीब, जैसे कि लोग यहीं खड़े हुए हम, जैसे कि लोग बोलते हैं यहाँ पे कि बच्चों की आवाजें आती हैं। हॉन्टेड जगह है यहाँ पे, रात को व्हाट यू विल हियर इज की क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड आल्सो। तो भाई सही बताऊँ, बड़ा बहुत बढ़िया वाला अंधेरा हो रखा है इस टाइम, ठीक ठाक अंधेरा है यहाँ पे समय, बहुत बढ़िया वाला। और मैं सही बताऊँ देखो यार, मेरे को वैसे डर वर लगता नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ, कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा क्योंकि डर नहीं लगता, बट एक्चुअली आई एम नॉट स्केयर्ड टू गो एट प्लेसेस लाइक दीस। बट अभी सही बताऊँ, अगर मैं अगर यहाँ पे ताला भी लगा हुआ है, दिखा दो ये ताला लगा रखा है, तो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस अकॉर्डिंग टू द रूल्स, द रूल्स एंड रेगुलेशन, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड बियॉन्ड दिस, अभी हम नहीं जा सकते है ना। बट ठीक है, अभी मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूं, सही बताओ आवाज़ सुनो, आवाज़ सुनो, देखो आगे आओ, आवाज़ सुनो, मैं सही बताऊँ आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया क्रीपी साउंड्स आर कमिंग ओवर देयर। और हमने सुना था इसके बारे में कि हमें यहाँ पर ये देखो सुनो, आप कुछ सुनो, अगर आपको आवाज़ आ रही है आप सुनो, ये एक्चुअली में सियार की आवाज़ है, ये जंगली जानवरों की आवाज़ है जिसको आप लोग हॉन्टेड बताते हो ना यार। हाँ कि भाई वो कोई रो रहा है या कुछ हो रही है, एक्चुअली ये फॉरेस्ट काइंड ऑफ एरिया आपके सामने है, ये भूतों की आवाज़ नहीं है यार, ठीक है। अभी आप कहते हो 10:30 बजे भूत नहीं मिलते, और अभी आप मुझे बोलोगे यार पीछे से भूतों की आवाज़ें आ रही थी बैकग्राउंड, ये दीज आर एक्चुअली वाइल्ड एनिमल्स, आपको जंगल में क्या मिलेगा, जंगल में तो जानवर ही मिलेंगे ना आप लोगों को, और क्या मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल घुपन दे रहा है। अभी हम बाहर खड़े हुए हैं, अभी हमने आपको उसका ओवरव्यू दिया, हम इसके अंदर भी जाएंगे, हम आपको 3-4 प्लेसेस दिखाएंगे, अगर आप हमें बोलते हो इफ यू वॉन्ट दैट वी शुड गो इन साइड एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस, तो हम वो भी करेंगे। हाँ, वो भी करेंगे, आप लोग बताओ हमारे को, अभी हम इसके बाद आपको एक जगह और लेके जाने वाले हैं, हम आपको एक जगह बात करेंगे, बिकॉज़ दिस इज वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस, मोस्ट हॉन्टेड, मतलब सबसे हॉन्टेड जगहों में से है, जो सब लोग कहते हो कि भाई यहाँ पे ये है वो है, यही खड़े हुए हैं, वेरी इजी टू गो बियॉन्ड द फ्रेंड्स एंड शूट फॉर यू पीपल, बट स्टिल तो ये जगह है भाई। अब इस पे लुक एट, आप वो ऊपर चांद देखो एक बार कैसा दिख रहा है इस टाइम पे, ये देखो आप देख रहे हो कैसा दिख रहा है, दिस इज नॉट समथिंग, ये बहुत ज्यादा जिगरा चाहिए भाई जाने के लिए। और अभी रात के 11 बजने को है और हम लोग यहाँ बाहर खड़े हुए हैं, आप टाइम देखो, इट्स 11:45 समथिंग राइट नाउ, 10:45 सॉरी। तो अगर हमें कोई कह दे ना अंदर जाने के लिए, यार भाई मेरे को दिल पे हाथ रखना पड़ेगा, है दानिश आप क्या कह रहे हो, आप थोड़ा आप बताओ, दिल पे हाथ रखना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें से आवाजें आ रही हैं, अभी आप देखेंगे अभी आवाजें आएंगी, पता क्या है, देखो हम गेट के पास जाते हैं ना तो आवाजें क्यों आ रही है, बिकॉज वो सामने जानवर वगैरह हैं, उनको कुछ लगता है कुछ आ रहा है, रीजन ये है आवाजें आने का, जानवर की आंखों में जब लाइट पड़ती है उसको ये लगता है कि मेरे को कोई मारने आ रहा है या मुझे कोई वो करने आ रहा है, इसीलिए वो अपनी तरफ से आवाजें निकालते हैं। ठीक है जी करण जी, ठीक है, तो आई थिंक हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए, वो आपका तो हम अंदर जाके बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमारे को कमेंट करके बताना, हमारे को बताना जी आप हमारे को कब अंदर जाते हो देखना चाहते हो, ठीक है जी। तो यार जैसे कि हम ना अपनी दूसरी लोकेशन के पास में आ गए हैं इस टाइम, और मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अभी तो यहाँ पे लाइट है थोड़ी सी है, मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को, आप देखना आगे का जो है ना सिस्टम, देखो भैया आगे दिखाओ आप, हमारे व्यूअर्स को आगे दिखाओ, ये देखो ये है सामने, दिख रहा होगा आपको मुझे लगता है, मामला दिखाई तो दे रहा करें जी, गाड़ी लाइट ऑन कर लो, ठीक है, शीशा बंद रखो यार भैया, ठीक है। अब मैं आप में से काफ़ी लोग जो दिल्ली में रहते हैं ना और साउथ दिल्ली के पास रहते हैं, वो एक्चुअली इस जगह के बारे में जानते होंगे कि अभी हम कहाँ हैं, ये बेसिकली ना दिस इज़ द बैक साइड ऑफ संजय वन, जिसके हम आगे गए थे अभी गेट के बाहर, और ये भी आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है, वो ज़रूरी क्यों है, उसका एक पॉइंट है भैया, आप लेफ्ट में दिखाओ वहाँ पे, आप गलत जगह दिखा रहे हो, यहाँ दिखाओ, ठीक है, ये यहाँ पर कुछ खाने पीने के रेस्टोरेंट हैं थोड़े से, हमारा बहुत फेमस लक्ष्मण फास्ट फूड भी है, करनी यहाँ पे कुछ काफी इंस्टीट्यूट भी हैं दो तीन, एज पर मैं नॉलेज हो सकते हैं यार मेरे को ज्यादा पता ना हो, बट यहाँ पे एक दो इंस्टीट्यूट है जिनके यहाँ पे दिन में काफी आपको दिखाई देंगे, एंड दिस इज एक्चुअली द बैक साइड ऑफ संजय वन, ठीक है, और ये भी सारा पीछे देखो आप देखोगे ना जंगल है सारा पीछे, करण जी यहाँ पे पीछे ग्रेवयार्ड भी है, हाँ यहाँ पे ग्रेवयार्ड भी है,
तो हाँ, मैं आप लोगों से ना संजय वल की छोटी सी शॉर्ट स्टोरी शेयर कर देता हूँ जो मुझे एक्चुअली जो मैंने पढ़ा है, मैं आपको वो बताता हूँ जो मैंने पढ़ा इस जगह के बारे में कि यहाँ पे ना अक्सर रात को ना बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एंड आफ्टर दैट एक तो ये मिथ बना रखा है लोगों ने, दूसरी बात ये है देर इज एक्चुअली अ टॉक ऑफ अ लेडी हु स्टॉप्स बाय टू यू नो, वो लिफ्ट मांगती है लोगों से, आते आते लोगों से, और वो दिखती है वो फिर लिफ्ट मांगती है और जब उसके पास चले जाओ गाड़ी के आप गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। ये मिथ है यार, मेरे को नहीं पता कि वो जो है एक ही इतने सालों से ना वो लेडी यार व्हाइट साड़ी, उसके पास कोई साड़ी नहीं दूसरे कलर की भी है। भाई अब जंगल में रहती है तो हो सकता है हो सकता है धोने की कोई जुगाड़ ना उनके पास, जींस टॉप वगैरह, जींस टॉप हो सकता है और कोई भी ड्रेस हो सकती है, क्यों करेंगे यार, मतलब हद करते हो यार। भाई देखो जंगल में रहती है, हो सकता है कुछ सर्फ एक्सेल ना हो या जो भी आइटम है धोने की, हद है यार, है ना जी। इतनी आबादी के बीच में तुम यार बोल रहे हो कि यहाँ पे लड़की है, औरत है, भागती है, रुकती है, यार क्या मतलब क्या बना रखा है यार। चलो कोई नहीं, एनीवेज मतलब आप देखो, आप ये एक्चुअली दिस इज द फॉरेस्ट एरिया, ये सारा जंगल ही है यार। ये लक्ष्मण का ढाबा आ गया भाई, वो आ गई सिमेट्री पीछे, सिमेट्री आ गई, देखो आप सारी। संजय वन में आपका स्वागत है जी, बोर्ड देख लो एक बार फिर से, संजय वन में आपका स्वागत है। हाँ जी बताओ जी, ये लाइट फेल जब हुई है बहुत सारी। हाँ तो इससे पहले तो बहुत कम ही थी यार, अंधेरा था, बहुत अंधेरा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अकेले नहीं आ नहीं पाओगे रात को। आप सामने दिखाओ यार भैया, ये दिखाओ आप, हालत दिखाओ सामने, मेरा थोड़ा पीछे करना जी गाड़ी, आप देख रहे हो यार, मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ यार, आप देखो खुद देखो आप, ये पता है गेट है, हम चाहे तो यहाँ से अंदर भी जा सकते हैं, बट यार मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम जाके यहाँ पे आपके लिए शूट करेंगे, बट यार थोड़ा सा तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि आप, हम संजय वन कुछ थोड़ी बहुत टिप्पणी चाहिए हमारे को आप लोगों से, कि भाई अपने एक्सपीरियंस भी बताओ कि आप लोगों ने क्या सुना है, जो चीजें आपने सुनी है यहाँ के बारे में वो भी हमारे, वो भी हमारे से शेयर करो, और कुछ थोड़ी थोड़ी बहुत राय हमारे को दे दो कि आप लोग हमारे से क्या चाहते हो, जाएं हम कैसे जाएं, नहीं कैसे जाएं वो हम देखेंगे, किस टाइम जाएं, कोई बूथ से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी होगी तो बता दो, उस साड़ी वाले और हो सकता है अंदर चले जाएंगे, आंटी को जरूर बुला लेंगे, और थोड़ा बहुत भाई दानिश जी को साबुन भी जाएंगे, साड़ी वाले दो के भाई कुछ साफ सुथरी करके पहले, पता ना कितने सालों की पहन लगी, टाइट वगैरह दे देंगे, दे देंगे फिर दोबारा, पानी वानी तो खूब हो गई, जंगली है सब चीज अंदर, जंगल है तो पानी वानी तो खूब हो गई है ना जी। लेकिन यार वैसे मैं एक बात बताऊं भैया, इतनी बसावट में दिल्ली में इतने लोग हैं, पैर रखने की जगह नहीं है, कहाँ है यार, और यार लोग कहते हैं कि इसमें भी यार भूत में कुछ जगह तो नहीं। फिर वो है ना भाई, अब ये देखो जी, मतलब कुछ जगह अगर ऐसी ये है, देखो जरा किस टाइप का है, हाँ। सब देख ही रखा हुआ है, जगह थोड़ी वैसी है तो आप कह दोगे कि हॉन्टेड है, ढाबे वाबे खुले हुए, और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं आपको अभी, ठीक है जी, पानी पूरी शिकंजी गंजी पी के। हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक, करण जी कुछ दिखाएंगे आपको अभी, यार क्या दिखाऊं भैया, मुझे तो हंसी आ रही है यार, यार एक चीज शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में, हमने गूगल पे सर्च किया था हाउस नंबर W3 ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, हाउस इन ग्रेटर कैलाश वाज वन ऑफ दिल्लीज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, हियर इज द स्पूकी टेल बिहाइंड इट, ठीक है, लोकेटेड इन वन ऑफ द पॉश लोकेलिटीज ऑफ द सिटी ग्रेटर कैलाश 1 हाउस नंबर W3 has seen the gruesome murder of an aged couple whose bodies were later found in the water tank. ठीक है, तो अब गूगल, हमारा गूगल भाई ये कह रहा है कि जो ये W3 है ये हॉन्टेड है, एक घर जो है इसको कोई लेता नहीं है, इस पर कोई आता नहीं है, इस पर कोई जाता नहीं है, और अब हम जब पहुंचे हैं ना इसके बाहर, ये देखो ये भाई तुम्हारा हॉन्टेड W3, अब मुझे एक बात बताओ, भूत के अंदर शेड लगा के रहता है, है? कुछ अपनी बताए कुछ उसकी सुनेंगे, लेकिन भूत भाई तो पहले ही वैकेंट कर चुका है, चला निकल गया लगता है, वो तो बच्चा है ही नहीं यहाँ पे करने के लिए, है ही नहीं, ये देखो यार W3 है, ये मतलब हद है यार, कमाल ही हो गया, मजाक हो गया सच में। देखो भाई यहाँ पहुंच रहे हैं हम, ये मैं आपको एक बार ना बोर्ड भी दिखाता हूँ यहाँ का एक बारी, ये देखो जी ये वो वाला हिसाब हो गया, W ब्लॉक GK1, ये वाला हिसाब हो गया, क्या बोलते हैं वो पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में हुआ था, ये देखो जरा, ये देखो मुझे मारो, मुझे मारो, RWA 41-1। अब यहाँ पे भाई हमारे को थक गए हम लोग, हमारे को 3 नंबर मकान दिखाई नहीं दे रहा, वो दिखा जो है उसमें यार है ही कुछ नहीं, बताओ वो टूट काट के
वो तो मुझे लगता है कोई भाई ने किसी ने घर घूर सस्ता भी ले लिया, उसको फायदा हो गया, फायदा हो लिया होगा 100% फायदा हो गया उसको, वो ना बढ़िया से बना के रहेगा। तो ये अब पता नहीं गूगल भाई को हटा लेनी चाहिए मेरे ख्याल से अपने ऊपर से, ये जो अजीब सी न्यूज है ये वाली है, ये मिथी निकली है, ये हमें कुछ ये थोड़ी सी रोड देख लो भाई, दिस इज द रोड लीडिंग टू W3 ब्लॉक, मतलब W3 हाउस इन W ब्लॉक ऑफ GK, बट यार एक्चुअली में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मामला भाई, निपटा हुआ मामला कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, अगर भगवान की दुआ से भूत भाई दोबारा नहीं आया घर में तो घर बन जाएगा, उसमें बन जाएगा, उसमें लोग रहेंगे, और 2-4-6 महीने में आपको दिखाएंगे भी उसको, जैसे बन जाएगा अभी तो शटरिंग हो रखी है वहाँ पे, तो कोई नहीं भैया अपनी दूसरी लोकेशन देखते हैं, धक्के ठीक है भाइयों, चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो यार गाइस देखो अभी हम लोग ना अपने घर के लिए निकल रहे हैं, ये रास्ता दिखा रहा हूँ आपको, ये कोई हॉन्टेड जगह पे नहीं जाते, हमारे घर की तरफ जाता है, मेट्रो स्टेशन है भाई कितना बड़ा है। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा यही है कि देखो क्या है सिस्टम कि हम लोग ना देखो 10 बजे के निकले हुए घरों से, 12:15 हो रहे हैं जी, क्या है ना कि देखो कुछ नहीं है यार, पता है कुछ मिला नहीं, खैर है संजय के बाहर खड़ा हुआ था ना, जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जब वो आवाजें आई ना यार, एक दो आवाजें तो आई थी पीछे से है ना, थोड़ा सा मैं भी हल्का सा शेकी हुए थे हम लोग, देखो यार देखो ये चीजों से ऐसी जगहों से ना फटती तो है, मैं ऐसे आपसे बोलूं फटती नहीं है, फटती तो है भाई हमारे उसमें, पॉइंट क्या है कि यार होता नहीं है कुछ भी, थोड़ी सी तो डर लगता है जंगली जानवरों से यार, जंगली जानवरों से डर लगेगा ना यार, अगर जंगली जानवरों के बीच में आपको छोड़ देंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, किसी को डर लगेगा भाई। तो यार बात यह है कि देखो एक पता है कि गड्ढा होना और एक पता है पता होने के बाद भी गड्ढा है उसमें जाके कूद जाना, वो तो बेवकूफी है ना, बिल्कुल बेवकूफी है, वो कोई नहीं करता यार, कोई भी नहीं करेगा। तो बस कुछ नहीं यार, वीडियो ज्यादा खींचनी नहीं है, दो जगह गए थे संजय वन की फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी, मजा आया संजय वन जाके, तो मजा आया भाई बाहर से ही बहुत मजा आया, 5 मिनट रुके होंगे, 5 मिनट 5-7 मिनट रुके थे, बट यार वाकई में लगा कि हाँ कोई जगह है, जगह है, मजा आएगा इसमें, जाए क्यों दानी जी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जगह है बहुत अच्छा है, ऐसा लगा कि जाने में मजा आएगा भाई इसके अंदर में, जल्दी जाएंगे करण जी, बाकी हमारे व्यूअर्स बताएंगे हमारे को कि कौन सी जगह जाते हो, हमारे को देखना चाहते हैं वो, और आज हमने दो ही जगह शूट करी है, ज्यादा नहीं करी क्योंकि यही हम डालेंगे अभी आपके पास के परसों तक, मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर ही आ जाएगा पोस्ट, मोदी साहब का भी है हमारा जो एडिटर है वो कर देगा यहाँ पर, एडिटर साहब हमारे, बाद में फिर आपके तक वीडियो आ जाएगी, आप देखना बताना। और यार देखो हम आपके लिए डिफरेंट कंटेंट लाना चाहते हैं, हम मेहनत करने में डरते नहीं है, बस आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कर, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना, ज्यादा मत करो, थोड़ा सा ही कर दो, थोड़ा सा कर दो, इतना चला लेंगे हम, काम चला लेंगे, इतना प्यार से भी चला लेंगे, कितने प्यार से हमारा काम, इतना प्यार दोगे ना आपको, इतना ज्यादा कंटेंट देंगे हम आपको बढ़िया वाला, ठीक है। देखो आपने घर एक कुछ नहीं करना, एक बटन ही तो दबाना है, अगर अच्छा लगेगा तो दबा देना, हमें भी लगेगा कि हमारी वीडियो भी देख रहा है, बिल्कुल है ना, तो मोटिवेशन मिलती है बेसिकली, बिल्कुल सर मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन चाहिए बस, मोटिवेशन आप लोगों से मिलेगी, हम भी पूरा दिन थका के आते हैं वीडियोस बनाते हैं, यही होता है कि हम अपने ऑडियंस के लिए कुछ करें। तो ठीक है जी, फिर आपको हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, ठीक है करण जी, तब तक आप बताना हमारा कंटेंट, कंटेंट आपको देख के कैसा लगा आपको हमारा, यार देखो कमी होगी ना तो बता देना भाई, बिल्कुल नए व्लॉग बना रहे हैं, कमी तो हो सकती है, बिल्कुल होगी यार, क्यों नहीं होगी, प्लीज परफेक्ट, कमेंट में इतना कर देना कि लाइक मत करना, बता देना कि भाई क्या आपको हमारी वीडियो में कमी लगी या हमारे को अब क्या आपको अच्छा नहीं लगा हमारे वीडियो में, बता देना कोई दिक्कत नहीं, बिंदास लिखना आपके लिए उसको आगे, बिंदास लिखना बिंदास। अब दाने जी को उतारने लगे हमारे, दाने जी का घर जाने का टाइम हो रहा है, दानी जी गुड नाइट कह दो जी सबको, ठीक है सर करण जी, फिर तब तक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आपको मिलते हैं, फिर सब अपना ध्यान रखो, टेक केयर से रहो, सैनिटाइज करो अपने हाथ, मास्क पहनो, मास्क पहन लेना भाई, हम भी पहनने लगे हैं इसके बाद, ठीक है, बेल्ट हमने लगाई रखी गाड़ी, ऑलराइट देख के चलते हैं।